रोहिणी सेक्टर 5 में रह रहा मलिक परिवार बेहद दहशत में है। वजह, इस घर के इकलौते चिराग पीयूष मलिक पर पिस्टल से 2 बार जानलेवा हमला हो चुका है। पीयूष मलिक की अभी दिसंबर महीने में ही ईशा के साथ शादी हुई थी। अब यह नवयुगल जोड़ा इतना डरा हुआ है कि घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहा है। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जान का दुश्मन आखिर कौन है, कौन है जो इन पर गोलियां चला रहा है। ये स्कूटी पर बैठी थी, हम लोग शांति से बात करते हुए आ रहे थे, पता भी नहीं चला, एकदम से कान में आके मेरे एक पटाखा सा बजा, मुझे लगा कि बम फटा है। मैंने इनको बोला कि बम फटा है, तो ये इन्होंने मुझे बोला कि नहीं, मुझे गोली लगी है। इन्होंने फटाफट स्कूटी साइड पर लगाई, जाके उतर के बैठे, बहुत स्ट्रांगली वहाँ जाके बैठे। देखा तो उनके पीठ में इतना बड़ा छेद हो रखा था, और एकदम से मैं चिल्लाने लगी, गाड़ी कोई गाड़ी निकालो, बोलने लगा। सामने से आए लोग और हमें हॉस्पिटल लेकर गए। समझ में ही नहीं आ रहा कि दूसरी बार हुआ है। बाहर जाने से मतलब इतना डर लगता है, मैं अपने घर के बाहर भी खड़ी नहीं हो सकती हूँ, ऊपर जाते हुए इतना डर लगता है, इतना डर बैठ गया है। अभी 3 दिन पहले 20 अप्रैल को पीयूष अपनी पत्नी के साथ स्कूटी से घर आ रहा था कि एक बाइक सवार ने इन पर गोली चला दी और फरार हो गया। गोली कंधे पर लगी थी। गनीमत है कि गोली सिर्फ इनके हड्डी को फ्रैक्चर ही कर पाई। इससे पहले भी पीयूष पर फरवरी में उस वक्त देसी कट्टे से हमला हुआ जब वह पार्क में घूम रहे थे। तब पीयूष को लगा कोई साइलेंसर फटा है या कुछ और ही मामला है। लेकिन अगली सुबह उन्हें देसी कट्टे की गोली मिली तो समझ आया कि फायरिंग हुई है। उन्हें लगा कोई सिरफिरा ऐसे ही चला गया होगा, लेकिन अब दोबारा हमला हुआ तो पीयूष इनके परिवार की रूह कांप गई। पेशे से पेट्रोल पंप संचालक पीयूष या इसके परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं, फिर भला उनकी जान का दुश्मन आखिर कौन है। 11 बजे चक्कर काट रहे थे घर के बाहर ही, जहाँ पहले अभी हमला हुआ उसी जगह ही, बिल्कुल घर के बाहर एक बाइक निकल के जाती है, बहुत तेज पटाखा बजता है, टूटी सी बाइक थी, और उसके कोई छींटे आके मेरे भाई के हाथ पे लगते हैं। हमें लगा शायद साइलेंसर फटा है या कुछ हुआ, हम चलने लगते हैं, हम घबराते भी हैं, बट लगता है कि कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमारी आज तक इसे दुश्मनी नहीं रही। उसका हाथ थोड़ा जलता है, बट हमने कि सबसे मतलब बंदा विचार करता कि इसे कि नहीं साइलेंसर ही फटा है, कोई मारने वाला हमें क्यों होगा, हमारी कोई दुश्मनी नहीं। मारने के जो बंदा था जिसके फटा हमें लगा, वो भी बिल्कुल आराम आराम से आगे गया। फिर हमने थोड़ी देर बाद देखा रात को, तो एक हमारे जानकार को ये मिला, हमने किसी से पूछा किसी ने गोली नहीं है, हम भी शांत हो गए। फिर 2.5 महीने बाद जब ये वारदात दोबारा आई तो ये सब चीज़ें सामने आई कि ये हमला हुआ था, और अभी तक कोई सुराग नहीं मिल रहा। नहीं, मेरे किसी से कोई रंजिश नहीं, कोई लड़ाई नहीं, पूरे रोहिणी सेक्टर 5 से आप पूछ सकते हैं, कोई एक बंदा नहीं। हमलावर कौन है बहरहाल ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन उसने दोनों बार देसी कट्टे से ही हमला किया। विजय विहार थाना पुलिस इसी बिंदु को ध्यान में रखकर हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। दिल्ली से दिल्ली दर्पण के लिए लोकेश कुमार के साथ अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट।